अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज हमारा लेक्चर छोटा सा भी है और इजी से भी है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 जो है ना, वो कंटिन्यूटी हमारे पास फूड लेबलिंग की है। इसमें हम पढ़ेंगे आज के पाकिस्तान के अंदर जो फूड लेबल्स के लॉज हैं, वो कौन बनाता है और उसका क्या मोड वगैरह है, उसकी एम क्या है हमारे पास। ठीक है, तो एम तो हमारा यही है कि हम लोग क्या करें, हम लोग देखें कि पाकिस्तान के अंदर लॉज कौन बना रहा है। ठीक है, आउटकम इसके क्या है कि कोर्स जब आपका ये वाला एंड होगा लेक्चर, तो आपको बेसिक जो फूड लेबलिंग होगी उसका आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमारे पास है कि द पंजाब प्योर फूड रूल्स 2007 गिव्स गाइडलाइंस और रेगुलेशन ऑफ फूड लेबलिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, जो पंजाब प्योर फूड लॉ पास हुआ था, बेसिकली उसी के अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसके अंदर किया था कि उन्होंने फूड लेबलिंग के रिगार्डिंग जो लॉज वगैरह थे वो भी बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, बेसिकली फूड लेबल्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। फूड लेबल्स आर पैक्ड विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो पिछले लेक्चर का आपको याद भी होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, क्यों दी जाती है। ठीक है, बट सम ऑफ द कॉमन क्लेम्स एंड टर्म्स फाउंड ऑन फूड लेबल्स कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, वो कंफ्यूजिंग टर्म्स क्या हो सकती हैं कि कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मिसलीड करती हो, और वो उस तरह से हो नहीं पर उन्होंने उसके ऊपर उस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हम लोग ऐसे ले सकते कि डजन एग्स इन कार्टन बोस्टिंग द स्टेटमेंट नेचुरल कैन लीगली कम फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल फार्म। ठीक है, हमारे पास मार्केट में जितने भी एग्स अवेलेबल होते हैं सबके ऊपर नेचुरल लिखा होता है, पर हमें पता होता है कि हमारे पास जितने भी ये जो जिसके ऊपर नेचुरल की स्टेटमेंट आई होती है, इनमें से बहुत कम जो होते हैं वो नेचुरल सोर्स होते हैं। ठीक है, सारे जो होते हैं सारे हमारे पास फॉर्म से ब्रॉयलर जो चिकन होता है उसकी एग्स होते हैं। ठीक है, जो व्हाइट कलर के होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एग्स आपके पास होते हैं उनका नेचुरली थोड़ा सा डार्कर शेड होता है, दे आर ऑफ थोड़ा सा उनका क्रीमी कलर होता है, थोड़ा सा ये येलविश कलर के होते हैं। ठीक है, व्हेन हेंस आर परमानेंटली कन्फाइंड फेड ऑन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आपको अगर टॉक्सिकोलॉजी याद होगा तो आपको पता होगा कि उनकी डाइट में क्या होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स होते हैं और इसी तरह बाकी जो फीदर जो ब्लड वगैरह होते हैं। ठीक है, एंड नेवर सीन अ ब्लाच ऑफ ब्लेड ऑफ ग्रास। ठीक है, जो आपके पास ये ब्रॉयलर चिकन होते हैं ना, इनको कोई ऑर्गेनिक फूड नहीं दिया जाता, इनको यही एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, कोई किसी भी नेचुरल सोर्स के साथ इनका इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और जो इनके लिए वहां रहने की जगह होती है वो भी बहुत कम होती है। अगर आप लोगों ने कभी फॉर्म्स देखे हो, ठीक है, अगर फॉर्म्स नहीं भी देखे हो तो अगर आपने कभी वैसे ही गाड़ियों में इनको लाते ले जाते हुए देखा होता है तो वो कितनी कम स्पेस के अंदर इन लोगों को रखा होता है। सेम इज द कंडीशन फॉर देयर फॉर्म्स। ठीक है, एक तो ये पहले स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत लेजी होती हैं, ऊपर से इनके पास जो वो मीटर स्क्वायर एरिया होता है जिसके अंदर ये रह रहे होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना जुड़ के और एक दूसरे को चढ़ के ये लोग लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके पास ऑर्गेनिक नहीं होती। तो ये जो स्टेटमेंट नेचुरल और ऑर्गेनिक इन्होंने ऊपर दी गई होती है, इट्स नॉट करेक्ट। सो हाउ डू यू नो इफ अ फूड लेबल इज एक्यूरेट और इवन ट्रू। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, फॉर्चुनेटली सम टर्म्स एंड क्लेम्स यूज्ड ऑन फूड लेबल्स आर लीगली डिफाइंड। ठीक है, अगर किसी ने इस तरह के टर्म्स यूज किए हो तो किसी किसी ने लीगली डिफाइन भी किए होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हमारे पास मीट प्रोडक्ट्स है जिन्होंने वाकई में जस्टिफाई किया होता है, अगर उन्होंने उसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें या ऑर्गेनिक होती हैं तो उन्होंने उस चीज की जस्टिफिकेशन की होती है आपके पास। ठीक है, फूड लेबल नेचुरल अकॉर्डिंग टू अ यूएसडीए डेफिनेशन डज नॉट कंटेन आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स और प्रिजर्वेटिव्स एंड द इंग्रेडिएंट्स आर मेनली मिनिमली प्रोसेस्ड। ठीक है, अगर आप ये अनार का दूध देख लें या फिर आप प्राइमा वगैरह देख लें, प्राइमा है ना इसके प्रेम मुझे आइडिया नहीं है, अनार की एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो वो वाकई में प्रोसेसिंग उनकी नहीं हुई होती। ठीक है, वो वाकई में नेचुरल होते हैं आपके पास। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अनार का जो योगर्ट है या उनका जो मिल्क है उसको जब आप ओपन कर लेते हैं तो सेकेंड डे जो उसकी योगर्ट होता है उसके अंदर वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, और जो उनका मिल्क है अगर आप उसको रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाता है, और वैसे भी वो 2 दिन के बाद फ्रिज के अंदर भी खराब हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो वाकई में जस्टिफाई भी करते हैं, उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, और वैसे भी आपको पता चल जाता है कि ये आपके पास एक नेचुरल प्रोडक्ट है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लेबलिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जेप्शन फ्रॉम द लेबलिंग ऑफ फूड। ठीक है, वो कौन सी है?
फ्रूट एंड वेजिटेबल ठीक है, फ्रेश और फ्रोजन, फ्रूट एंड वेजिटेबल चाहे वो फ्रेश हो चाहे फ्रोजन हो ठीक है, उसके ऊपर हमें कुछ इस तरह की लेबलिंग या क्लेम वगैरह करने की या एक्यूरेसी उसकी चेक करने की जरूरत नहीं होती ठीक है। बट उसमें से हम लोगों ने एक्सक्लूड क्या करना है, ये जो कैन के अंदर हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आ रहे होते हैं ठीक है, कैन के अंदर चीज तभी आती है जब उसके के अंदर एक अगर लेट्स सपोज वेजिटेबल है तो उसको ब्राइन सोल्यूशन के अंदर डाला होगा, और अगर फ्रूट से तो उसको शुगर सोल्यूशन के अंदर डाल के उसके ऊपर बाकायदा प्रोसेस और प्रेशर अप्लाई किया गया होता है नाइट्रोजन गैस का ठीक है। इसी तरह फिर लिक्विड मिल्क है नॉट इंक्लूडिंग प्री पैक लिक्विड मिल्क ठीक है, प्री पैक मतलब सिर्फ अनहार आपके पास ठीक है ठीक है, अदरवाइज ये जो बाकी के दूध आप लोगों ने देखा होगा अनहार वगैरह कभी आपने शेल्फ पे नहीं देखे होंगे ये वाले दूध ठीक है, अनहार वगैरह आप जहां भी जाते हो तो वो रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़े होते हैं, बट ऑलपर्ट्स हो गया या नेस्ले का मिल्क पैक हो गया या लीव हो गया ये आपके पास शेल्फ के ऊपर पड़ा होता है। शेल्फ के ऊपर क्यों पड़ा होता है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड है, ये आपके पास नेचुरल नहीं है। अगर ये लोग बहुत भी बोले ना खालिस दूध, तो इट्स नॉट खालिस, उसके ऊपर UHT अप्लाई हुई होती है तभी वो शेल्फ के ऊपर बगैर रेफ्रिजरेटर के सर्वाइव कर जाता है आपके पास ठीक है। शेल एग्स ठीक है, जो आपके पास शेल एग्स हैं ठीक है, किसी भी किस्म के हैं ठीक है, उनके ऊपर कोई क्लेम वगैरह बहुत कम होते हैं आपके पास, जिनके ऊपर कोई क्लेम वगैरह होता है अदरवाइज दे आर दे हैव नो एक्यूरेसी ठीक है, कोई इस तरह की। इस तरह फिश है, फिश के ऊपर भी किसी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, यू नो इट्स नेचुरल ठीक है। इसके अंदर शेल फॉर फिश भी आ जाएगा, प्रोसेस फिश भी आ जाएगी ठीक है। एक्सक्लूडिंग इसमें क्या करना है, जो आपके पास सार्डिंग्स वगैरह कैन के अंदर होते हैं उनको इसमें से आपने एक्सक्लूड कर देना है ठीक है। एनी फूड सर्व बाय अ कैटर एज अ मील ठीक है, ऑन द स्पॉट जो आपके पास फूड सर्व हो रहा है ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कार्ट फॉर्म के अंदर जो फूड का सेक्शन है आपके पास लाइव कुकिंग जहाँ पे होती है, तो उनको उसके ऊपर मतलब किसी लेबलिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती, सिवाय उन्होंने प्राइस टैगिंग वगैरह की होती है और बेस्ट बिफोर लिखा होता है ठीक है। डीफेसिंग ऑफ लेबल्स ठीक है, पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमन है, ये नहीं होनी चाहिए आपके पास ठीक है, इट्स अ अनलॉफुल थिंग ठीक है, रूल्स के खिलाफ है, आपने किसी भी लेबल की डिफेसिंग नहीं करनी होती। नो पर्सन शैल रिमूव ऐड टू अल्टर डिफेस और रेंडर एलिजिबल एनी स्टेटमेंट अपॉन अ लेबल ठीक है। आप लोगों ने देखा हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ प्राइस टैग के ऊपर भी अपनी प्राइसिंग की गई होती है या वो ब्लैक मार्कर से उसको हटा दिया गया होता है। जो बच्चे ट्रैवलिंग करते हैं उनको पता होगा, अभी तो खैर नहीं क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती हो गई है, लाइक इयर्स अगो जब मैं स्टूडेंट थी जो मोटरवे के जो स्टॉप्स होते हैं रेस्ट एरियाज, इसके ऊपर की जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक जो हमारे आम से बिस्किट और चिप्स वगैरह होते हैं लेज वगैरह, इनकी प्राइसिंग के ऊपर ब्लैक मार्कर से हटा के अपनी प्राइसिंग की होती, 30 रुपीज के लेस 40, 50, 60 तरह के इन्हें ये लोग सेल कर रहे होते थे। डाइवो के टर्मिनल्स पे आज भी ये चीज कॉमन है ठीक है, वो 20 या 25 रुपए प्राइस इंक्रीज कर देते हैं ठीक है, तो वो डिफेसिंग उन्होंने की होती है, तो ये लीगली ठीक नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने एक रूल पास कर दिया कि ऐसे करना भी नहीं है आप लोगों ने ठीक है, ठीक है ये राइट वे नहीं है आपके पास ठीक है, रॉन्ग एंड राइट। इन सम केसेस क्या करना है आप लोगों ने, कुछ चीजों के ऊपर आप लोग कर सकते हैं अगर आपको पता है कि वो चीज जो है वो मार्केट में सेल नहीं हो रही ठीक है। अब जैसे अगर ये पॉइजन है आपको पता है ये मार्केट के अंदर सेल नहीं हो रही ठीक है, तो आप इसके ऊपर डिफेसिंग कर सकते हो, पर अगर आपको पता है कि ये कोई यूज की चीज है या मार्केट के अंदर सेल हो रही है वो आपने नहीं करनी। इन सम कंडीशंस हो सकते हैं अगर मार्केट की तरफ से सर्टन चीज की प्राइस चेंज हो जाए ठीक है, हम जब छोटे थे तो तब की बात है, तो ये जो आपके पास ये जो हाफ रोल्स वगैरह आते हैं अभी तो आपके पास 20-25 रुपीज के हाफ रोल्स मिल रहे होते हैं, दे वुड बी ऑफ 10 रुपीज, फिर ये 15 और 12 रुपीज पे चले गए, तो वो एकदम से मिड ऑफ द ईयर बजट चेंजिंग हुई थी, तो उस केस में क्या था कि उस केस में अगर वो उन्होंने वो क्रॉस लगा के जो एट अ सर्टेन टाइम जो बजटिंग थी उसके मुताबिक वो सेल करता है तो वो लॉ में क्योंकि मार्केट प्राइस चेंज होगी, बट खुद से ये करना और खुद से प्राइस इंक्रीज करना इज अनलॉफुल ठीक है। फिर आपके पास आ जाएंगे कि आपने सर्टन या पर्टिकुलर जो आपके पास कुछ फूड आइटम्स है जो मैंने इधर डिस्कस किए हैं, मेनली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने किए हुए हैं, इनकी आपने लेबलिंग किस तरीके से करनी है ठीक है, वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। लेबलिंग सबसे पहले तो कैसे करते हैं, आप लोगों ने अपना ब्रांड नेम लिखना है ठीक है, फिर सोर्स ऑफ द मिल्क लिखना है, काओ का है बफलो का है ठीक है। मोस्टली हमारे पास जो है
गाय का दूध ही अवेलेबल है जो पैक है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग लिखनी होती है, और फिर अगर उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई की है तो आप लोगों ने देख लेना कि पेस्चराइज है, यूएसटी से गुजर के आया है, या इसकी टेट्रा पैकेजिंग है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी है, ठीक है। नंबर वन पे आ जाते हैं कंडेंस मिल्क की आप लोगों ने क्या करना है। इन द केस ऑफ कंडेंस मिल्क अनस्वीटन, जिसके अंदर चीनी नहीं है, ठीक है, कंडेंस मिल्क अनस्वीटन में आप लोग क्या करना है कि इस पैकेट के अंदर इतने दूध के इक्विलेंट एक्स फॉर इक्विलेंट लीटर्स ऑफ द मिल्क है, ठीक है। वो कंडेंस होता है पर अमाउंट उसकी सेम होती है, तो आप लोगों ने मेंशन करना होता है उसके ऊपर कि अगर ये लिक्विडिफाई फॉर्म में होता तो ये इतने लीटर्स होता, अभी ये इतने मिलीग्राम्स का, ठीक है, ये मिलीलीटर्स का है। कंडेंस मिल्क स्वीटेंट है तो उसके ऊपर आप लोगों ने क्या लिखना है, उसकी रेशो लिखनी है इतने लीटर्स है, एंड मेंशन करना है कि इसके अंदर चीनी का जो है वो इजाफा किया गया है, एडिशन ऑफ द शुगर हुई है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपके पास आया कंडेंस स्किम मिल्क अनस्वीटेंड, ठीक है, वो एक रिड्यूस फॉर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। इसके अंदर फिर आप लोगों ने लिखना है कि इसकी इतनी रेशो थी, लेट सपोज ये अभी इतना है बट इट वॉज इक्विलेंट टू दैट मच 1 लीटर ऑफ द मिल्क, एंड ये फैट फ्री है, ये स्किम है, या फिर ये 1% है और इसको रिड्यूस किया गया है, इसके फैट लेवल को कम किया गया है, ठीक है। फिर कंडेंस मिल्क आ जाएगा आपके पास फ्लेवर्ड, अगर फ्लेवर्ड है तो आप लोगों ने वो मेंशन कर देना है इसके ऊपर कि इसके अंदर ये वाला फ्लेवर्ड है, या लेट सपोज इसके अंदर फ्रूट के चंक्स हैं, अगर चंक्स हैं तो इट इज नॉट यूज फॉर इन्फेंट्स बिलो 6 मंथ, तो 6 महीने से कम उम्र बच्चे को आप ये नहीं दे सकते। अगर लेट सपोज उसके अंदर चंक्स ना होते तो आप दे सकते थे, बट उसके अंदर चंक्स है और उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर्स है तो इट इज नॉट सेफ फॉर अ चाइल्ड बिलो 6 मंथ्स, ठीक है। अब अगर कोई कंडेंस मिल्क है और उसके ऊपर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूएचटी यूज की गई है, तो आपने एक्स्ट्रा से एक और ब्रैकेट में ये बात भी मेंशन कर देनी है कि आया इसके ऊपर स्टेरिलाइज है, इसके ऊपर हम लोगों ने हाई टेम्परेचर जो था वो अप्लाई किया था। फिर क्या करना है हम लोगों ने, फिर कंडेंस मिल्क भी दो तरह का होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ये जो रेस्ट एरियाज होते हैं उसमें जो चाय बनती है वो दूध में नहीं, कंडेंस आम दूध में नहीं, कंडेंस मिल्क में बनती है, ठीक है। एवरी पैकेज कंटेनिंग मिल्क फॉर मेकिंग टी टी व्हाइटनर लिक्विड शेल बियर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लियरली आपने मेंशन करना है, ठीक है, स्टार्ट में जब ये तरंग वगैरह आए थे या फिर तरंग से पहले एवरीडे का लिक्विड व्हाइटनर आया था, एवरीडे वैसे भी व्हाइटनर है बट जब उसको लिक्विड व्हाइटनर आया था तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, वो पी जाते थे। और व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब इन हॉस्पिटल तो मैंने बहुत सारे ऐसे जो स्लम एरिया से लोग आए हुए थे वो बच्चों को बाकायदा फीडर में ये तरंग डाल डाल के पिला रहे होते थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ था कि ये दूध पीने के लिए नहीं, सिर्फ चाय के लिए, ठीक है। अभी फिर जब तरंग के ऊपर केस चला तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इसके ऊपर मेंशन करना शुरू कर दिया और फिर कमर्शियल में भी बोलना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ चाय के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो जब आप ऐसा करें तो आप मेंशन करें। आजकल भी एक प्रोडक्ट आ रही है, मैंने देखी है बहुत सारे लोग, क्योंकि उसका टेक्सचर इतना हैवी नहीं है, कुदरत के नाम से आई गेस हलीब की ब्रांड का ही है, इट्स अ टी वाइटनर और उन्होंने इसके ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे जो मिल्कशेक शॉप्स पे आप जाते हैं सो दे आर यूजिंग इट एज अ लिक्विड मिल्क फॉर मेकिंग देयर मिल्कशेक, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। वाइटनर के अंदर बहुत कुछ होता है। Every package containing milk for making tea, whitener, liquid share, bear the label, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है आप लोगों ने, या फिर उसके अंदर अगर शुगर है, मोस्टली व्हाइटनर्स के अंदर शुगर नहीं होता, कुछ के अंदर होता है, कुछ मोस्टली के अंदर नहीं होता, तो अगर है तो आपने एवरीडे वाले में होते हैं तो आपने उसके साथ मेंशन कर देते हैं कि इट हैज एडेड शुगर। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, उसके नीचे आपने इंसर्ट करना है ब्रांड का नेम और फिर उसको यूनिफॉर्म साइज कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा साइज ऑफ फॉन्ट शैल बी लेस देन 12 पॉइंट लेटरिंग, ठीक है, नजर आना चाहिए, बिल्कुल छोटू करके नहीं लिखना होता आप लोगों, जैसे वो फोन कार्ड्स पे या फोन कार्ड्स के कमर्शियल अब तो खैर नहीं आते, जब हम छोटे होते थे तो उसके अंदर कोई ऐसी बात होती थी ना जो नहीं बतानी भी होती थी और छुपानी भी होती थी, ठीक है, तो वो कमर्शियल खत्म होते नहीं, नीचे कोने में छोटा सा लिखा होता है जो किसी को नजर भी नहीं आता था, ठीक है। तो कम अज कम आपने अपना फोन साइड जो है वो 12 रखना है, ठीक है। अभी ऐसे लेटरिंग लिखा है तो ये जो उसकी टी आई आर एन जी है
जितना साइज है ना, ये साइज आप लोगों ने रखना होता है ताकि जो कस्टमर परचेज कर रहे हैं ताकि उसको नजर आए, ठीक है। फ्रोजन डिजर्ट, आप लोग बहुत छोटे होंगे, मैं स्कूल में थी, आई वॉज इन क्लास 4th or 5th, जब यम्मी का और वॉल्स का एक दूसरे पे केस चला था कि वॉल्स जो आइसक्रीम जो है ना, बेसिकली जो यम्मी की है वो आइसक्रीम है, और जो वॉल्स वाले हैं जो ये बेचते हैं, इट इज बेसिकली फ्रोजन डिजर्ट, इट्स नॉट आइसक्रीम। तो यम्मी वालों ने इनको सू किया था क्योंकि ये लोग मेंशन नहीं करते थे और आइसक्रीम करके बेच रहे होते थे, ठीक है। फिर वो केस हुआ और 3-4 साल केस चला, फिर यम्मी ने केस जीत लिया। एंड आफ्टर डेट, अब अगर आप वॉल्स की आइसक्रीम उठाएं, कोई भी मोस्टली जो टब्स के अंदर होती है, तो उसके ऊपर आइसक्रीम नहीं, फ्रोजन डिजर्ट मेंशन होता है, ठीक है। तो अगर आपकी जो चीफ है खाने वाली वो आइसक्रीम नहीं है और फ्रोजन डिजर्ट है, तो यू शुड मेंशन इट, एंड ऑल्सो यू शुड मेंशन दैट इट डजेंट कंटेन एनी काइंड ऑफ क्रीम और बटर, बट इट कंटेन वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। तो जो वॉल्स की आइसक्रीम है उसमें बेसिकली आइसक्रीम नहीं यूज होती, दे आर नॉट जिलेटोज, दे आर फ्रोजन डिजर्ट्स, ठीक है। सो दीज आर लिटिल थिंग्स यू हैव टू मेंशन। फिर आ जाते हैं मिल्क पाउडर, ठीक है। मिल्क पाउडर के ऊपर तो क्लियरली मेंशन होता है कि इसमें से इतना लीटर दूध बन सकता है, ठीक है, 4 glass, 5 glass, 6 glass, या फिर अगर 6 glass इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 1.5 liter, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों ने मेंशन करनी है इसके अंदर, कि इसके अंदर या अगर जो आपके पास एवरी डे है या फिर मिलाक है जो चाय के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर लेसिथिनिन होता है, लेसिथिनिन की वजह से ही आपके पास जो कि मिल्क होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना ऑर्पिट्स के ड्राई मिल्क में, अगर आप में से किसी बच्चे ने यूज किया हो, तो वो जब तक आप हॉट वाटर में पहले डाइल्यूट नहीं कर देते उसको थोड़ा सा, तो वो चाय के अंदर मिक्स नहीं होता। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ लेसिथिनिन। लेसिथिनिन जब होता है तो वो वाला दूध चाय में, अगर आप एवरी डे को देखें ना, आप चाय के कलर निकालें, डालें, मिक्स करें, सारे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों? उसके अंदर लेसिथिनिन है, इट्स नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ मिल्क, इट्स ओनली शुगर एंड ऑयल, ठीक है। तो ये चीज अगर आप लोगों ने की है तो यू शुड मेंशन इट। अच्छा, अब जिन फूड्स के अंदर मोनोसोडियम है तो उनको भी उसके ऊपर मेंशन करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना देखना है, दिस पैकेज नेम ऑफ द फूड कंटेन मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG जिसे हम बोलते हैं, नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट बिलो 12 months, ठीक है, ये आपने करना है। अब कनौर वालों ने बड़े धरल्ले से झूठ लिखा हुआ है, नो एड MSG, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कनौर का क्यूब अगर उसका चौथाई हिस्सा भी डाल दे तो आपका जो खाना होता है वो नमक नमक हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट की एडिशन होती है, ठीक है। अभी तो खैर उन्होंने लेवल्स कम कर दिए, वही वाली बात है, मेरे बचपन में इसका टेस्ट भी बड़ा स्ट्रांग होता था और नहीं अच्छा लगता था आपको, ठीक है। इरेडिएटेड फूड, ठीक है, इरेडिएटेड फूड वो होता है जिसके ऊपर कोबाल्ट 60 की रेडिएशन की गई होती है ताकि उसकी फर्दर जर्मिनेशन और एजिंग को रोका जा सके, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे फूड अवेलेबल है बट दे आर नॉट आउट इन द मार्केट, दे आर यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है, नीफा, आपके पास KPK के अंदर एक इदारा है। आज से कोई 2014 की बात है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब के टाइम मेरा उधर विजिट था, फिर उधर मैंने इंटर्नशिप भी की थी, तो उन्होंने कुछ फूड आइटम्स, क्योंकि तब उन दिनों की बात है जब 2014 में, अब तो नहीं है, जब हालात बहुत ख़राब थे और हमारी आर्मी जो थी वो ये शवाल हो गया, वजीरिस्तान हो गया और इन एरियाज पे थी, और क्योंकि तब हालात ज़्यादा ख़राब थे तो फूड की सप्लाई जल्दी जल्दी नहीं जा सकती थी, तो उन लोगों ने ऐसा फूड बनाना शुरू किया था जिसके ऊपर उन्होंने रेडिएशन अप्लाई की थी। उनमें सेब थे, आलू थे और प्याज थे, ये हमारे पास जो थी वो वेजिटेबल्स में आ गई थी। इसके अलावा आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, बिरयानी, आलू कीमा एंड कोरमा, उसके ऊपर रेडिएशन अप्लाई करके उसकी एक अच्छी सी पैकिंग करके उन्होंने इन एरियाज में भेजना शुरू की थी। सो दैट वाज द इनिशिएटिव बाय द नीफा इन पाकिस्तान कि हम लोगों ने रेडिएटेड फूड जो था वो अपनी फोर्सेस तक पहुंचाया था। दो इट डज नॉट टेस्ट गुड एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, अगर आप ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करें, वैसे तो इन रेडिएशन उसके अंदर रहती नहीं है, वो पास आउट हो जाती है, बट स्टिल इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट मजबूरी की कंडीशंस थी तब, इस वजह से ये वाला फूड जो था
ये मार्केट में नहीं बट सिर्फ मिलिट्री के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इरेडिएशन फूड, अगर आपने फूड के ऊपर इरेडिएशन की है, जापान के अंदर चाइना के अंदर इरेडिएटेड फूड अवेलेबल है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने ये जो मोनोग्राम है ये उसके ऊपर मेंशन करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, ये वो जापान वाली एग्जाम्पल मैंने इधर डाली हुई थी। जापान में पोटैटोस को इरेडिएट किया जाता है किस वजह से, ताकि उसके अंदर जो फर्दर जर्मिनेशन होती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर हम कभी बहुत आलू का स्टॉक रख लें या जिनकी फसल वगैरह होती है आलू की, ठीक है, पंजाब साइड पे तो बहुत कॉमन है, तो जब बहुत ज्यादा आलू होते हैं या बहुत ज्यादा प्याज पड़े होते हैं, तो कुछ अर्से बाद जो आजकल का सीजन है उसमें जर्मिनेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप द जर्मिनेशन on market level you can apply irradiation, but if you want to stop the germination at your house level to aap jo sabzi ki tokri hoti hai usko dhoop lagwa diya kare, wo bhi radiation wala kaam hi karegi aapke paas, theek hai। food having added caffeine, theek hai, jin khane peene ki ashya ke andar caffeine hai you should mention, and you should mention the level of the caffeine, theek hai। ab chai coffee के अंदर या जो एनर्जी ड्रिंक है स्टिंग रेडबुल, इनके अंदर तो कैफीन होता है, कोक के अंदर भी होता है, ठीक है। तो इन्होंने मेंशन किया होता है जो कोक और चाय के अंदर होता है इट्स वेरी माइनर, ठीक है। फिर कॉफी तो तरह की आती है आपके पास, नेस्कैफे एक तो वो जो कॉमन है हमारे पास लाइट ब्राउन कलर की, एक प्योर ब्लैक के नाम से आती है, उसके अंदर कैफीन के लेवल ज्यादा है और वो हमारी है भी नहीं, वो साउथ अफ्रीका की है, यहाँ पे उसकी पैकेजिंग वगैरह भी नहीं हुई, तो उसके ऊपर बड़ा क्लियरली एक ब्रैकेट में मेंशन होता है इसमें कैफीन का लेवल जो है वो हाई है, ठीक है। तो ये चीजें मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सॉल्ट पे, एडिबल सॉल्ट है ये भी मेंशन करना चाहिए, टेबल सॉल्ट है या कुकिंग सॉल्ट है ये भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है। आयोडाइज है ये भी मेंशन करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और अगर उसके अंदर कोई एंटी किकिंग एजेंट है, ठीक है, आप अगर देख लें आम सॉल्ट उठा कर देख लें गंदा वाला जो खुला बाजार में आपके पास मिलता है, उसमें किकिंग हो जाती है, ठीक है, दो तीन दिन आप रखें तो आपके पास जम सा जाता है, ठीक है। बट अगर आप लोग देखिए नेशनल का शान का वो नहीं जमता आपके पास, उसमें केकिंग नहीं होती, तो उसके अंदर उन्होंने प्रिजर्वेटिव की क्या किया होता है, प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, ठीक है। पैकेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर पैकेज वाटर के ऊपर तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेट सपोज उसके अंदर वो वाइटामिन वाटर के नाम से एक आता था, अभी मुझे नहीं पता, टू मैनी स्टोरीज जो रिलेटेड मेरे स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम से, हमारे कॉलेज टाइम में होता था वो विटामिन वाटर के नाम से आता था, उसके अंदर एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा विटामिन वगैरह होते थे, थोड़ी सी उसके अंदर फ्लेवरिंग हुई होती थी, तो उसके ऊपर मेंशन होता था। बट अभी जो हम लोग आम ये पानी नेस्ले का हो गया कॉफी ने वगैरह हो गया, इसके ऊपर आई डोंट थिंक इसके ऊपर कुछ मेंशन होता है कि इसके अंदर एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा किसी चीज़ की है, या फिर होता होगा मुझे याद नहीं अभी, हालांकि डेली की चीजें पर मैं आप लोग देख के मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएगा, ठीक है। नेचुरल मिनरल वाटर लिखा होता है, अक्सर ने लिखा होता है फ्रेश फ्रॉम स्प्रिंग, ये झूठ ना मेंशन करें, हमें पता होता है कि आम ही ये जो यहाँ जगह जगह आप लोग प्लांट लगा के यही जो टूटियां वगैरह होती है इसे भर रहे होते हैं, ठीक है, और ऊपर लिखा होता है फ्रेश एंड स्प्रिंग वाटर ये और फलाना ढमकाना, ठीक है। तो इस तरह की झूठे क्लेम्स नहीं करनी चाहिए। सेकंड बात ये कि जब आप इस तरह की बॉटल्स यूज कर लें तो या तो उसके अंदर सुराख कर लिया करें या उसको क्रश कर लिया करें ताकि वो फर्दर ना यूज हो सके। सेम गोज फॉर दी एवरी काइंड ऑफ दी बॉटल यूज ऑफ जूस, इधर इट इज ऑफ शैम्पू बेशक, तो आपने उसके अंदर क्या करना होता है, सुराख करना होता है। इवन जो आप ये प्लास्टिक के डब्बों में बिरयानी वगैरह खाते हो, खाने के बाद उसको तोड़ दिया करें, उसके अंदर सुराख कर दिया करें, या फिर जिस प्लेट में जो फोम की प्लेट आजकल मिलती है आपकी यूनिवर्सिटी में फ्राइज के लिए, उसके अंदर भी सुराख कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो फर्दर धो के दोबारा उसको इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि इट इज द मेन कॉज ऑफ स्प्रेडिंग हेपेटाइटिस एंड एड्स, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास पान मसाला, ठीक है। एवरी पैकेज ऑफ पान मसाला एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग थ्रू टू शेल कैरी द फॉलोइंग वार्निंग, ठीक है, क्या वार्निंग होनी चाहिए, चूइंग ऑफ पान मसाले इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है, लड़कियां बहुत खाती हैं, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, माउथ कैंसर कॉज करते हैं आपके पास, ठीक है, उसके अंदर वो सुपारी होती है, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो उसके ऊपर मेंशन करना चाहिए। सेम गोज फॉर द सिगरेट्स एंड अदर ड्रग्स, ठीक है, उसके ऊपर लिखना चाहिए। टोबैको आ जाता है तो टोबैको के ऊपर भी लिखा होता है कि चूइंग ऑफ टोबैको या फिर यूज ऑफ टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, आजकल तो बड़ी गंदी किस्म की तस्वीरें भी बनाई होती है उन्होंने इस वजह से सिगरेट के बॉक्सेस के ऊपर, ठीक है।
फिर मार्जरीन है तो मार्जरीन वालों को ऊपर मेंशन करना चाहिए कि इट्स मार्जरीन, इट्स नॉट बटर, और ये वेजिटेबल ऑयल है और उसके अंदर कहीं भी कोई भी क्रीम या बटर जो है वो नहीं है, ठीक है? तो बटर इज अलग एंड मार्जरीन इज अलग, और आप दोनों को आप लोग उसका फर्क भी मालूम है और आ भी रहे, ठीक है? चेंज नेस्ले का भी जो भाव आया है वो बटर है, ठीक है? और जो ब्लू बैंड का मिलता है वो क्या है, मार्जरीन भी है और ब्लू बैंड का अपना एक बटर भी है, ठीक है? इसी तरह नूरपुर एंड ऑल दिस, ठीक है? ये एक मार्जरीन का पैकेट है जिसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया गया है कि इसके अंदर उन्होंने क्या क्या यूज किया हुआ है, ठीक है? ये हमारा लेक्चर था जिसमें कुछ भी नहीं था, जिसमें हमने बिल्कुल जनरल सी बातें की हैं। अभी आप मुझे एक चीज बताएं बेटा, सुन रहे हैं? Yes, ma'am. मैंने आपसे बड़ी पते की बात करनी है। Yes, ma'am. मुझे बताएं कि कल या वेडनेसडे को आप लोग की कोई फ्री क्लास है? ये मजे की बात है। हमारी परसों भी है, वेडनेसडे को नहीं है मैम, पूरा वीक कोई डे ऑफ नहीं है। वेडनेसडे को आप लोग का फ्री डे नहीं होता? नो मैम, डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, हर रोज क्लास होती है। ओहो, ये तो बड़ा मसला हो गया। क्यों, क्या मैं सोच रही थी थर्सडे की क्लास जो है वो ले लूं मैं पहले। मैं तो खुद से वेडनेसडे फ्री होता है ना, तो मैं सोच रही थी क्योंकि वेडनेसडे को रखी थी। वेडनेसडे को आप लोग कह रहे हैं आप लोग फ्री नहीं है ना? यस मैम, साल की बात रखते हैं मैम, टाइम बता दें। यस मैम, टाइम बता दें। मे बी आगे बात होती है, इस तरह से रोज फ्री होते हैं हफ्ता के बाद, तो फिर मैं थर्सडे को भी क्लास ले सकती हूँ आप। या तो ऐसे हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दूं, बट उससे यस मैम ऐसे कर। मैम आप खुश होते हैं ना आप लोग? मैम आपने एक्स्ट्रा क्लास ले ली, थर्सडे को ले ले आप, थर्सडे को ले ले जी, थर्सडे को आप कैसे जा रहे हैं? पर हमारे अभी जल्दी की क्लास ले ली। मसला ये है असल में ना, थर्सडे को मैं अपनी क्लास ले सकती हूँ, मैं रास्ते में भी अपनी क्लास ले सकती हूँ, बट क्योंकि मैं ड्राइव कर रही होंगी तो ड्यूरिंग ड्राइव इट्स नॉट सेफ कि मैं आप लोगों की क्लास, सो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों की क्लास पहले या बाद में ले लेती। मैम आप मॉर्निंग में ले लें हमारी क्लास में, कोई इशू नहीं, 10 o'clock ले लें थर्सडे को। यस मैम, मैम ट्यूसडे को ले लेना, तुमसे को रहने दें हमारी 10 o'clock मैम, आप रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, सुन लेंगे हम लोग। कितने बच्चे कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करके अपलोड कर लो, कितने कह रहे हैं कि सुबह में मैम रिकॉर्ड करके अपलोड, हैंड रेज करवा लेना मैम, हैंड रेज करवा लो जो बच्चे रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। मैम रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें, सुनते नहीं है वैसे आप रिकॉर्डिंग, वो तो मुझे पता चल गया। दो चार बच्चे होते हैं जिनको मेल आ जाती है, वो मुझसे परमिशन मांगते हैं। मैम अगर अभी नाम भी सुनी तो मैम पेपर से पहले, क्विज से पहले, मिड से पहले तो सुन ही लेते हैं मैम। चले ठीक है। अच्छा ये जो बच्चों ने हैंड रेस किए हैं ये चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं? यस मैम। जब वैसे अपलोड मेरे लिए भी इजी है, आप लोगों ने सुनना तो सुनना ही है, और मैं चले देख लूँ तो इजी से लेक्चर रख लेंगे अगर, क्योंकि कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं कि उनको समझाना पड़ता है और कुछ को नहीं समझाना पड़ता। वैसे आज वाला लेक्चर मौका था हमारे पास, और सुनाए फिर आर्ट से छुट्टियां हो रही हैं आप लोगों को कि नहीं? अभी तो पहले भी छुट्टियां ही है।
8 से onwards की meeting 8 से 7 शाम से 9 मैम क्लासेस नहीं होंगी ऐसा हो सकता है कि क्लासेस ना हो क्लासेस तो होंगी मैम वैसे नहीं है और क्या चाहिए जाना क्लासेस होंगी पर हमें ये फायदा होगा हम घर से बैठ के स्कूल से अपनी क्लास लेंगे छुट्टियां तो ना हुई मैम से दिए बाय बैठी हुई उठ गई मैम 116 है 109 बच्चे प्रेजेंट है आदि से ज्यादा नहीं इतने ज्यादा 20 बच्चे बाकी किधर है अटेंडेंस पे आ गए ठीक है अस्मा अफजल प्रेजेंट मैम अबिया तारिक प्रेजेंट अभिषेक बेंजामिन प्रेजेंट मैम अदील अहमद प्रेजेंट मैम आदिल रियाज प्रेजेंट मैम अदनान आरिफ यस मैम आमिना प्रेजेंट मैम अमारा सहर प्रेजेंट मैम आमना फारूक प्रेजेंट अनीबा जन्नत प्रेजेंट अनीका सैफ अनीसा जब्बार अक्सम मुख्तियार प्रेजेंट मैम प्रेजेंट है मैंने प्रेजेंट बोला है कौन प्रेजेंट है अनीसा जब्बार बेटा आपकी आवाज तो मुझे नहीं आई अक्सा मुश्ताक प्रेजेंट मैम अरीमा जावेद प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम अरीज फातिमा प्रेजेंट अरीज सिदाकत प्रेजेंट मैम अरीशा नदीम अरीशा यूनस प्रेजेंट अरूबा नईम प्रेजेंट मैम अरूज फातिमा प्रेजेंट मैम अरसलान आसिफ प्रेजेंट मैम ऑन अहमद प्रेजेंट मैम आयशा उमर प्रेजेंट मैम अस्का शहजाद प्रेजेंट बीनी सईद प्रेजेंट मैम बिरा अभी प्रेजेंट मैम बिस्मा आमिर प्रेजेंट मैम फहीम अफजल प्रेजेंट मैम परीहा नूर प्रेजेंट मैम फातिमा चुगताई प्रेजेंट फातिमा इफ्तिखार आंटी के ना गीले जल से जोर से ये भी साफ कर प्रेजेंट मैम गाजिया प्रेजेंट मैम गुलरुख कमाल हदीना आबिद प्रेजेंट मैम हाफिजा महनूर प्रेजेंट मैम हाफिजा शीरीन प्रेजेंट मैम हफ्सा इकराम प्रेजेंट मैम हाजरा जफर प्रेजेंट मैम हाजरा काशिफ हाजरा आजम हिरा महबूब हीरा महबूब हूरिया प्रेजेंट मैम हुमायूं इकबाल हमना अतीक प्रेजेंट मैम इफ्रा एजाज प्रेजेंट इकरा नजीब प्रेजेंट इकरा रहमान प्रेजेंट इकरा रियाज इकरा सलीम इरम मुनीर प्रेजेंट इज़ा फारूक जन्नत रशीद कायनात फातिमा प्रेजेंट कशिश फयाल खदीजा साजिद प्रेजेंट खदीजा जफर प्रेजेंट खिजरा अशरफ प्रेजेंट मैम लाइबा उस्मान प्रेजेंट लाइबा यूनिस महनूर आसिफ प्रेजेंट माहीन शुएब
माहिन ज़हीन मानूर नवीद प्रेजेंट मानूर तारिक मनाहिल बाबा का खुद ये पड़ा पूर मनाहिल आपका मरियम शाहिद प्रेजेंट मैम मरियम याकूब एक्सक्यूज मी प्रेजेंट मैम मासूमा खालिद मासूमा खालिद मिनाल तौफीक प्रेजेंट मिनाल फातिमा प्रेजेंट मिनाल मिनहल साजिद प्रेजेंट मोहम्मद हमजा प्रेजेंट मैम मोहम्मद हसन मोहम्मद उसामा उस्कान खलील प्रेजेंट मैम नम्रा रियाज निदा अफजल प्रेजेंट मैम निमाला मुबारक निम्रा अशरफ प्रेजेंट मैम निम्रा हयात प्रेजेंट मैम निम्रा रजाक प्रेजेंट मैम निम्रा राणा प्रेजेंट नूर फाकिहा नूर फातिमा नूर फातिमा 136 नौरीना यास्मीन कुरतुलैन सईद प्रेजेंट राबिया लियाकत प्रेजेंट मैम रिदा जैनब प्रेजेंट रिमशा मुबारक रिमशा सुहेल मैम रिमशा मुबारक रिमशा सुहेल रुमैसा अनीक रबी इमरान प्रेजेंट मैम सैफा जफर प्रेजेंट मैम सायरा आमिर प्रेजेंट मैम सालिया शाहिद प्रेजेंट सना अरूज प्रेजेंट सारा रियाज प्रेजेंट सारा रियाज 96 प्रेजेंट मैम सैयदा अतीका प्रेजेंट मैम सहर जहीर प्रेजेंट शाइना शाइलिसा प्रेजेंट मैम सितरा ताहिर प्रेजेंट मैम सितारा वकार प्रेजेंट मैम सलवा असगर प्रेजेंट सुम्बल सुमेरा नवाज प्रेजेंट मैम सैयदा मरियम प्रेजेंट मैम सैयदा जुखरुफ प्रेजेंट मैम सैयदा फायदा प्रेजेंट मैम तबस्सुम खालिद ताबिश हुसैन एक्सक्यूज मी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तस्मिया नाज प्रेजेंट मैम तैयबा जावेद तैयबा जमान प्रेजेंट मैम ताजीन फातिमा प्रेजेंट मैम तहरीन खालू प्रेजेंट मैम तहरीन कामरान प्रेजेंट मैम तूबा नाज प्रेजेंट मैम उरूज अरशद प्रेजेंट उरूज फातिमा वर्दा रुबान प्रेजेंट मैम विशा आसिम प्रेजेंट मैम ज़ैन अली अब्बास यस मैम ज़ैनब सलीम प्रेजेंट मैम जुब्दा ताहिर मैम जुब्दा का मैसेज आया उसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया माहीन शोएब
मैम हीरा महबूब तारिक मैम अनीता सैफ क्योंकि लगा दे मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अलम मुबारक की लगा दे मैं निमशा सुहेल मैम मानूल तारिक निमशा सुहेल मैम माला मुबारक की एक एक करके सब्र करें जरा बेटा मैं रिमोट नहीं हूं इंसान हूं माला मुबारक मैम ने माला मुबारक की लगा दे मैम मानू तारीख की लगा दी थी ये सब का इज्तिमाई मसला आया था मैम मैंने बोला था पहले शायद आवाज नहीं गई थी मानू तारीख और किसी के तो नहीं है मैम मनाहिल मनाहिल व्हाट मैम सिर्फ मनाहिल ही खाली मनाहिल बस अब मैं सेव कर दूं इसके बाद कोई ना बोले आप लोग यूज कर सकते हैं ओके मैम अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज यस मैम